हुल दिवस के अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठन राजधानी रांची के सिद्धू कानू पार्क में पहुंच रहे हैं और यहां स्थापित सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शौर्य और बलिदान को याद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मैं आदिवासी संघर्ष मोर्चा के झारखंड का संयोजक जगन्नाथ उरांव हूँ और आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि देने के लिए, दरअसल जो उनकी लड़ाइयाँ थी और वो लड़ाई आज जिंदा है। उन्होंने माटी छोड़ो का एक नारा दिया था भुगना डी से और सिद्धू कानू फूलो झानो तरीके, और बहुत लोग इस आंदोलन का इतना विस्तार हुआ कि यह आंदोलन ब्रिटिश माने लंदन चला गया। वहाँ के लेखक ने वहाँ का उद्धृत किया है, आज के पेपरों में उद्धृत किया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त वो आंदोलन हुआ था और जो टैक्स के खिलाफ में और सामंती लोग का जुल्म ही अलग था, उधर वो टैक्स भी अलग उससे डाला गया, इसीलिए उन लोग ने ये आंदोलन को छेड़ा और यह आंदोलन पूरे झारखंड के साथ साथ वो दूसरे जगहों विदेशों में भी ये मैंने ये आंदोलन को मैंने हम कम कहते हैं कि विस्तार हुआ है और जानते हैं लोग आदि मैंने ये इसको खास करके। और आज जो हम देख रहे हैं, आज इतने सालों के बाद भी देख रहे हैं जो आदिवासियों का जो हालत है, आज आदिवासियों की ज़मीन लूटे जा रहे हैं, है ना, और लूटे इसलिए इस तरह का लूटे जा रहे हैं कि वह कुछ पैसे दे करके उनके जमीन को हड़प रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं, और जब आदिवासी लोग प्रतिकार करने के लिए वो जाते हैं तो उनको बंदूक दिखला करके, है ना, उनको भगा दिया जा रहा है। अब एक ताज़ा उदाहरण है आपका डीके सिंह जो यहाँ पर ये थे डीजी थे, जो आज चमा बस्ती आपको जो ओवरब्रिज पार करते हैं रिंग रोड का, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखिएगा कि सारे जो गैर मजरूआ ज़मीन था नदी के किनारे किनारे सारे लोग हड़प लिया और पूरी एक कॉलोनी बस गई है, और आज भी हमारे लोग भी उसमें वो लगे हुए हैं, उनको हमारे लोगों को वो बहला के फुसला करके जमीन मालिकों के पास भेजता है, उन लोग के जरिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वो लड़के वो समझ नहीं रहे कि आने वाले दिन में उनके जो आगे आने वाले जो जनरेशन है उनकी क्या हालत होगी। ज़मीन का ऐसा महत्व है कि अगर वो दो टुकड़ा ज़मीन है तो सालों साल अपने खानदान को वहाँ पर रख रहे हैं, उसी ज़मीन से अपने जीवन बसर कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनके हाथ से ज़मीन चली जाएगी तो ये आदिवासी कहाँ जाएंगे। एक तो वन अधिकार कानून बना है वो भी लागू नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो 2008 है उसको सतत लागू किया जाए, और ख़ास करके जो हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इस तरह से जो पूरे झारखंड में ज़मीनों की लूट हो रही है और नजायज तरीके से नीचे से लेकर के और डीसी से लेकर सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अब जब ब्लॉक में जाते हैं लोग कि मेरी ज़मीन छीना जा रहा है, वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि एक आंदोलन आज चल रही है नीचे ज़मीन पर, आप देखेंगे कि बुढ़मू चामा चान्हो उधर ज़मीन का आंदोलन चल रहा है, इधर इस क्षेत्र में और मांझी क्षेत्र में, इधर कांके, खासकर कांके तो आज बदनाम है, आज छवि रंजन उसी के चलते सस्पेंड है, मैंने कांके में इतनी ज़्यादातर ज़मीनों का साथ में वो दो नंबरी का काम हुआ है, दो नंबरी का वो मतलब रजिस्ट्री का मिला है। हम समझते कि आने वाले दिन में अगर आदिवासी लोग जगेंगे और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, आदिवासी मोर्चा बनाने के पीछे के ही हम लोग का मैंने ये मैंने इसका संदेश है कि यहाँ तो बहुत से आदिवासी मोर्चा बने हुए हैं, 60-70 आदिवासी मोर्चा बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ज़मीन लूटे जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं इस बात के लिए कि सारे आदिवासी नेता लोग एकजुट हो, एक मंच पर आओ, और उसके बाद जो उसके खिलाफ में आदिवासियों के खिलाफ में जो साजिश चल रहा है इस प्रदेश में उसका मुकाबला करो, अन्यथा सारे ज़मीन लूटे जाएंगे। केंद्र सरकार का यूसीसी को लेकर क्या कहना है? नहीं, केंद्र सरकार के यूसीसी को लेकर के कहना ये है कि उनका जो जनरल, देखिए ये बात तो प्रतिवर्ष हम लोग कहते आ रहे हैं और हमें अब आजकल जो है शर्म आ रहा है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से सिद्धू कानू मुर्मू चांद भैरव फूलो झानो ने 30 जून 1855 में बोला था अंग्रेज़ी हुकूमत को और साहूकारी व्यवस्था को, ज़मींदारों को, कि तुम माटी छोड़ो हम लगान नहीं देंगे,
आज झारखंड में ही हो रहा है। आज नौकरियां नहीं मिल रही नौजवानों को, छात्र नौजवानों को, और आदिवासियों का जमीन का वायलेशन, जमीन का लूट बुरी तरह से हो रही है, और नेता मंत्री नौकरशाह सभी लगे हुए हैं। तो हमें, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे झारखंड के छात्र नौजवान और यहाँ की जनता को कि एक हुल की और आवश्यकता है, और हम हारेंगे नहीं। बार बार हम इसलिए आते हैं यहाँ पर कि ताकि हमारा आत्मा जिंदा हो। आज यदि सिद्धू कान्हू जिंदा होते तो रोते हो कि हम किस लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े, लेकिन आज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पूरा ध्वस्त हो गया है, जमीन लूटी जा रही है। इसके लिए हम लोग आज संकल्प के रूप में आए हैं कि आने वाला समय में जितना हो हमारी ताकत है, हम इनकी नीति को, इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो भी जन विरोधी काम होगा झारखंड में उसके लिए एक और हुल करने का करेंगे।